हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक और सुजलोन एनर्जी के बारे में। दोनों ही स्टॉक में आज आपको गिरावट देखने को मिली है और इवन दो मार्केट में ही गिरावट देखने को मिली है। कल मैंने जब लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट में गिरावट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब RBI की तरफ से जो रेट हाइक्स किए गए थे तो फ्राइडे को उसका कोई इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं पड़ पाया था। और मैंने आपको बताया था कि हो सकता है जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो आपको यहाँ पे शायद इसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, वही आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो यही हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्या इस वीक में मार्केट में कॉन्टीन्यूसली गिरावट ही देखने को मिलती रहेगी या फिर कोई अपसाइड के चांसेस हैं, और कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आपको देखना चाहिए, और यस बैंक और सुजलोन के हालचाल क्या होने वाले हैं, क्या सुजलोन में सच में राइट इशू अब नहीं आने वाला है, ये भी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो आपको काम की लगे, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बारी जल्दी से नज़र डाल लेते हैं आज के मार्केट सिनारियो पर। तो जब मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब अगर आप देखोगे तो मार्केट में यानी कि सेंसेक्स में करीबन 700 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट है। और अगर आप देखोगे तो ये थोड़ी सी गिरावट मेरे ख्याल से कम हो सकती है मार्केट क्लोजिंग के टाइम तक। निफ्टी में करीबन 225 पॉइंट्स की गिरावट है, निफ्टी बैंक में तो और ज़्यादा गिरावट है करीबन 624 पॉइंट की, और निफ्टी मिड कैप में भी आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। यानी कि कोई भी इंडाइसेस आपको ग्रीन जोन में देखने को नहीं मिल रहा है, चारों इंडाइसेस में आपको कॉन्टीन्यूअसली गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो ऐसी गिरावट में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं, जिसमें अगर आप चार में से तीन स्टॉक्स देखोगे तो आपको तीनों स्टॉक फार्मा से में ही देखने को मिलेंगे। और विंडो, जाइडस, यहाँ पे इन सारे स्टॉक्स को आपको देखोगे तो फार्मा से ही रिलेटेड है। करीबन 3% से लेकर 5.5% तक का अपसाइड मूवमेंट आपको इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो वहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि आज के दिन बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा रहे हैं। अदानी एंटरप्राइज, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, आदित्य बिरला फैशन और अदानी एंटरप्राइज में तो करीबन 10% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये आज का मार्केट का हालचाल रहा है, जहां पे अगर आप देखोगे ब्लर बात है ऐसा सिनेरियो कुछ स्टॉक्स में तो देखने को मिल ही रहा है। अब हम डायरेक्टली बात करेंगे यहाँ पे यस बैंक के बारे में। यस बैंक में भी अगर आप देखोगे तो आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। एक टाइम पे तो 2% के आसपास थी, अभी आपको यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिल ही रहा है। जब मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 15.45 रुपये के आसपास आपको ये जो शेयर है मार्केट में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। 1.28% की गिरावट आज के दिन यस बैंक में देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप देखोगे तो पिछले 6 महीने या फिर 1 महीने का सिनेरियो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहा है। यानी कि बीच में तो ठीक था 1 मंथ का सिनेरियो, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो चीज़ें थोड़ी सी बदलती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं पिछले 6 महीने के रिज़ल्ट अभी आप देखोगे जो पॉजिटिव ही नज़र आते हैं, लेकिन एक टाइम पे ये जो रिटर्न्स हैं वो आपको डबल नज़र आते थे। लेकिन अब इस टाइम पे आपको जिस अकॉर्डिंग मार्केट का सिनेरियो ख़राब हुआ पड़ा है उसके बाद से चीज़ें बिल्कुल ही ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। अब मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ NSE पर, जहाँ से आपको कल के मार्केट के लिए एक क्लैरिटी मिल जाएगी। आज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बाइंग साइड और सेलिंग साइड पे जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा है कि केवल यहाँ पे आपको 94 लाख के आसपास के जो ऑर्डर्स हैं बाइंग साइड पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सेलिंग साइड पे आप देखो 2 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है, नंबर ऑफ क्वान्टिटीज़ के बारे में बात करें तो। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है आज के दिन की। लेकिन एक चीज़ जो ठीक है वो ये है कि जो डिलीवरी परसेंटेज है वो आपको 37% के आसपास नजर आती है, जो कि कहीं से भी कम नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज निकल के आती है कि आज डिलीवरी परसेंटेज जो है वो ठीक ठाक नजर आती है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो यस बैंक के लिए अभी कोई मेजर अपडेट तो नहीं आई है। जब भी कोई अपडेट आएगी तो वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन आज का जो मार्केट सिनेरियो है और जिस अकॉर्डिंग मैंने NSE का आपको डेटा दिखाया है वो इंडिकेट कर रहा है कि अगर कल मार्केट में गिरावट होगी तो डेफिनेटली यस बैंक में भी गिरावट देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर कल मार्केट ठीक ठाक सा मूवमेंट दिखा देगा तो यहां से चांसेस है कि यस बैंक में भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। कोई भी कॉन्ट्रा मूवमेंट हम यहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि केवल मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही चांसेस नजर आते हैं कि कल ये शेयर मूवमेंट दिखाते हुए नजर आने वाला है। अब हम यहां पे बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में।
अब सुजलोन एनर्जी में भी अगर आप यहां पे देखोगे तो गिरावट का ही सिलसिला देखने को मिल रहा है। शेयर आपको 8 रुपये से नीचे के लेवल पे आज के दिन ट्रेड करते हुए नजर आया, जबकि आज चांसेस थे कि सुजलोन में एक अच्छा खासा मूवमेंट आ जाएगा, लेकिन मार्केट में ही इतना सडन फॉल देखने को मिला तो आपको भी यहां पे गिरावट ही देखने को मिली है। और 7.90 पर आपको यहां पे आज की जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली है। अब मैं आपको रिटर्न्स वगैरह तो इसके बहुत बारी दिखा चुका हूं, लेकिन जो मेजर चीज, जो मेजर अपडेट्स निकल के आ रही हैं वो मैं आपको यहां पे दिखा। अब यहां पे एक बड़ी न्यूज निकल के आई थी, आप सभी को पता है कि राइट इशू आने वाला था सुजलोन का। अब अगर आप देखोगे तो इनके जो CMD थे तुलसी तांती, इनका डेमिस यानी कि अब ये दुनिया में नहीं रहे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला, तो जिसकी वजह से कि चांसेस क्या निकल के आए कि क्या आपको यहाँ पे जो सुजलोन का जो राइट इशू है वो देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी अफवाह आने लग गई। लेकिन अगर आप देखोगे ये क्लैरिटी आपको मिली और इस न्यूज़ के थ्रू भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो सुजलोन का राइट इशू वो आपको नेक्स्ट वीक से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो रेशियो डिसाइडेड था यानी कि 5:21 का, वही रेशियो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और जो डेट्स वगैरह थी जो कि मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताई थी, वो भी आपको सेम देखने को मिलने वाली है, उसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो चीजें कुछ ऐसी निकल के आती हैं कि जिस अकॉर्डिंग यहां पर आपको जो राइट इशू के सिनेरियो बताया गया उसके बाद भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आ पाया। और वहां पर अगर आप देखोगे तो जब ये न्यूज निकल के आई कि आपको यहाँ पे चीज़ें खराब होती हो और नजर आएंगी, तो वो ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप देखोगे जब ये मार्केट में न्यूज़ आई कि राइट इशू वैसा के वैसा रहेगा, तो चांसेस थे, जो एनालिस्ट थे वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन आज भी आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली गिरावट ही देखने को मिली। अब उसके पीछे का रीज़न तो आपको बताइए कि जो ओवरऑल मार्केट वही खराब है, तो सुजलोन में भी आपको गिरावट ही देखने को मिली है और इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ पाया। तो यहाँ पे आप न्यूज़ को पूरी तरीके से पढ़ भी सकते हो कि क्या क्या सिनेरियोज़ बनते हुए नज़र आए, सुजलोन के राइट इशू में क्या दिक्कतें हो सकती थी। लेकिन जब क्लैरिटी भी आ गई यहाँ पे कि आपको 5:21 वाला जो राइट इशू है वो देखने को भी मिलेगा, अब यहाँ से जो मेन चीज़ सुजलोन के लिए निकल के आती है, क्या ये डिसीजन जो है राइट इशू का वो सही डिसीज़न है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें भी हमें आगे देखनी पड़ेंगी। और एक चीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए, अगर आपके पास सुजलोन के शेयर्स हैं तो आप राइट इश्यू के लिए अप्लाई करोगे या फिर नहीं करोगे, कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए। और उसको आपको क्या फ़ायदा लगता है अगर आप अप्लाई करते हो, या फिर अगर आप अप्लाई नहीं भी कर रहे हो तो आप किस बेसिस पे नहीं कर रहे हो, वो आप मुझे ज़रूर बताइए। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सो डैट यहाँ से मुझे भी मोटिवेशन मिले और यूट्यूब भी थोड़ा सा इसको प्रमोट कर दे। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो आइकन है वो आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए, सो डैट आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन भी आती रहे। धन्यवाद।